आपको रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता जो भला साहब करते आए मेरा वो कैलिबर नहीं है अगर होता तो ज़रूर करता बड़े नेशनल लीडर जब मीडिया के सामने आके कहते हैं कि आ, मैं अमित को सपोर्ट करता हूं, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है मुझे लगता है आदित्य ने जो काम किया है वर्ली में वो पाँच साल में अगर लोगों तक पहुंचता, वो काम किया होता तो हम इस साल भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करते क्या वाकई में दो जो भाई हैं अलग अलग रास्ते हुए हैं क्या वो इकट्ठा कभी हो सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुझे लगता है दो में भी एक बार कोशिश की गई तब भी उनकी तरफ से जो हुआ वो स्पॉइल हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में जो कई लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें से एक जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है मुंबई की दादर की दादर माहिम क्योंकि यहाँ से राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे खुद पहली बार चुनाव में के मैदान में हैं अमित ठाकरे हमारे साथ हैं ऐसा देखा है बाला साहेब ठाकरे के वक्त से कि कोई भी ठाकरे जो है वो रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स पे भरोसा करता है चुनाव के मैदान में कभी उतरता नहीं है हालांकि उसको एक एक्सेप्शन बनाया गया जो आदित्य ठाकरे वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे आपको क्यों लगा कि आप रिमोट कंट्रोल की जो राजनीति है जिसका जिक्र बार बार आपके पिता राज ठाकरे भी करते हैं आपको वो छोड़ देनी है और आपको चुनाव में आना है आदित्य क्यों लड़े ये मुझे लगता है आप उनसे ही मुझे लगता है पूछना चाहिए मेरी वजह सिर्फ इतनी ही थी कि माने ने बाला साहब होंगे या राज साहब होंगे वो जो रिमोट कंट्रोल जो आ, आपने जो नाम दिया उसको कि बाहर से रह के हमारे सांसद में हमारे अमदार जाएंगे हमारे खा, खासदार जाएंगे हमारे एम जाएंगे एम जाएंगे वो मुझे लगता है वही संभाल सकते हैं मेरी वो क्षमता नहीं है मेरा वो कैलिबर नहीं है कि मैं बाहर रहकर इतनी बड़ी संख्या को मैं रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल से चलाऊँ क्योंकि मेरा वो करिश्मा नहीं है मेरा वो होल्ड नहीं है इसलिए मैंने मैंने कहीं तो ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी वो क्षमता नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि कहीं तो सिस्टम में आके मुझे लगता है बदल आ, मुझे काम करना चाहिए और तो आ, आपको रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता जो बला साहब करते आए राज ठाकरे अच्छा नहीं लगता का सवाल नहीं है मेरी मेरा वो कैलिबर नहीं है अगर होता तो ज़रूर करता अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है यहाँ पे एक बहुत बड़ा विवाद हुआ कि क्या एक शिंदे की शिवसेना जिनको और बीजेपी को राज ठाकरे और मन से आपकी पार्टी ने पूरी तरह सपोर्ट किया था आ, आ, कोई भी शर्त उस पर रखे नहीं रखी और वैसा ही इस चुनाव में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में तो आपको होना चाहिए था लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है आपको आप तो जेन्य बताऊँ कि राज साहब जो आ, जो मुद्दा उठाते हैं या जो स्टेप उठाते हैं ना उसका पे होगा इस हिसाब से नहीं उठाते इसलिए जो उन्होंने जो आ, सपोर्ट मोदी जी को दिया वो उन पाँच मुद्दों पे था जो उन्होंने शिवतीर्थ पर आपको आ, बोल के दिखाया उसमें से एक जो मराठी भाषा का आ, को अभिजात भाषा का जो दर्जा मिलना था वो आ, मिल गया बाकी के चार जो मुद्दे थे वो भी हम लोग फॉलोअप करके कर लेंगे इसलिए वो जो सपोर्ट था वो उन पांच चीज़ों के लिए था जो महाराष्ट्र के लिए थी हमें ना राज्यसभा में किसी के पास जाना था ना विधान परिषद में किसी के पास को, को, कोई सीट लेनी थी इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई पे चाहिए था इसलिए वो स्टेप उठाई गई थी और मेरा मानना है कि वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के यहाँ के सबसे बड़े नेता है उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम अमित ठाकरे को सपोर्ट करना चाहते थे नहीं, चाहते लेकिन बड़े नेशनल लीडर जब मीडिया के सामने आके के कहते हैं कि आ, मैं अमित को सपोर्ट करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है मैं राजनीति में एक रुकी के तौर पे हूँ मैं मेरा फर्स्ट इलेक्टोरल मुझे लगता है चुनाव है इसलिए ये जो जब बड़े लीडर्स आके मेरे बारे में बात करते तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है एक बात ये भी बहुत चर्चा इसकी है कि पिछली बार जब आदित्य ठाकरे आपके भाई आप दोनों की पार्टी अब अलग हैं रास्ते है, उम्मीदवार किया, है, किया गया था लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है वो चुनाव लड़ेंगे वो मुझे क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि मुझे मालूम है वो कैसे मुझे जो संस्कार मुझे लगता है बाला साहब या मेरे ग्रैंडफादर फादर श्रीकांत जी से मेरे फादर के पास आए थे वो मैं आगे लेके जा सकता हूँ पर मुझे मेरा नहीं मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि दूसरे भी वही पे देंगे मुझे लगता है आदित्य ने जो काम किया है वर्ली में वो पाँच साल में अगर लोगों तक पहुँचता वो काम किया होता तो हम इस साल भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करते लेकिन आप भी अभी उनके खिलाफ आपका कैंडिडेट है वहाँ पे। क्योंकि हम लोग वो जो वर्ली की जनता है उनको हम ग्रोहित नहीं धर सकते हम लोग वी कान टेक दैम फॉर ग्रांटेड अगर आप पहुँच ही नहीं रहे हो तो मुझे लगता है कहीं तो हमारे लोग जाके उन तक पहुँचने चाहिए जो संदीप जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे खूबसूरती से मतलब काम कर रहे हैं उनका प्रचार भी बहुत ही अच्छा चालू है ये, ये एक सवाल पिटे पिछले 18 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में है और किसी को पता नहीं कि ये सवाल कब ख़त्म होगा कि वो रहेगा इसलिए सवाल क्योंकि आप पहली बार चुनाव में आए हैं इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको पूछते हैं कि क्या वाकई में दो जो भाई हैं अलग अलग रास्ते हुए हैं क्या वो इकट्ठा कभी हो सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सर वो मेरा, तो बहुत है? है? मेरा बहुत ही इच्छा है मेरा बहुत ही वैयक्तिक मेरा पर्सनल जो है मुद्दा है इसलिए आप पार्टी से पूछोगे साहब से पूछोगे उनका इस पर कहना क्या है मुझे मालूम नहीं मुझे लगता है 2014 में भी एक बार एक प्रयत्न हुआ था हाँ। एक बार कोशिश की गई तब भी उनकी तरफ से जो हुआ वो स्पॉइल हुआ सत्रह में जो हुआ तब भी जब वो छः नगर हमारे जो कॉरपोरेटर्स है वो चुराए गए माना कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं था मेरे पास कोई बड़ा मंत्री पद नहीं था मैं मुख्यमंत्री नहीं था कुछ भी हो पर मेरा मेरी बीमारी बीमारी नहीं है और जब सीएम को एक बीमारी है तब भी वो 40 एम एल जाए तो ठीक मेरी बीमारी का कोई की कोई हैसियत नहीं है कोई महत्व तो नहीं है ऐसा होगा तो ठीक पर मेरे लिए मैं जिस परिस्थिति से जा रहा था जिस परिस्थिति से जिस मनस्थिति से मुझे लगता है साफ जा रहे थे वो बहुत ही भयानक थी और तब जब ये छह कॉरपोरेटर्स चुराए गए ये खोखे खोखे जो जो बोल रहे हैं उन्होंने भी खोखे देखे ही चुराए क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि जो सातवें हमारे जो कॉरपोरेटर थे जो नहीं गए उनको भी वो फ़ोन कॉल आया था सर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला आ, आ, तो मुझे लगता है तब मेरे जो बैक ऑफ द माइंड बैठ गया कि इनसे दो कदम दूर रहना ही बेहतर है, है। इसलिए मैं मेरी इच्छा नहीं होगी आगे का मुझे मालूम नहीं साहब क्या सोचते हैं या तो आपको नहीं लगता कि ठाकरे परिवार फिर से पुराने दिनों की तरह इकट्ठा आएगा राजनीति में नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है मेरे जो बाला साहब के दूसरे जो बेटे हैं पोते हैं या आप जयदीप को ले लीजिए या राहुल को ले लीजिए ऐश्वर्या को ले लीजिए सब मेरे कांटेक्ट में है मैं सबसे बात करता हूँ पर इन लोगों से मुझे लगता है दो कदम दूर रहना आपकी आदित्य से बात नहीं हो तो? नहीं बिल्कुल अच्छा पारिवारिक तौर पर भी आपके नहीं बिल्कुल एक आए आखिरी सवाल आ, आपके पिता राज ठाकरे ने कहा है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होंगे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा और आपकी यानी मनसे से की आ, मदद से बनेगा कैसे होगा ये सर मैं ऑनेस्टली मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जो साहब ने जो प्रिडिक्ट किया है हमेशा जो प्रडिक्ट करते हैं वो आज तक सच होते आए मुझे मालूम नहीं वो कैसे प्रिडिक करते पर मेरी आ, मेरा उतना कैलेबर नहीं है कि मैं इतना प्रडिक कर सकूँ पर जो मैं देख रहा हूँ जो मैं राजनीति अब देख रहा हूँ जो दो हज़ार उन्नीस से जो चालू हुई है मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रडिक कर सकता है साहब छोड़ के कि क्या हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो जो पढ़ा है राजनीति को वो मुझे लगता है वो किसी मुझसे उस उन्होंने बात नहीं की है पर वो जो लगता है वो किसी के भी दिमाग में नहीं होगा कि क्या पढ़ा है इसलिए मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा क्योंकि मुझे जो लगता है मुझे नहीं मैं अभी किसी भी सीट पे आप ले लो मैं प्र नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा लेकिन बीजेपी और एमएनएस साथ में आएंगे ऐसा आपको लगता है ऐसे साहब ने बोला है पर अगर महायुति और महाअघाड़ी का अगर ऑप्शन हो तो हम युति के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि भाजपा के बहुत सारे नेते है, नेते हैं नेता है जो मुझे लगता है बहुत पुराने संबंध है राज साहब से तो मुझे लगता है वो कंफर्ट जोन रहेगा कहीं तो इसलिए मुझे लगता है कि युति के साथ जाना पसंद हो